सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। तो यार लेकर आ चुके हैं एक और सोलो को किलो लोवी का जानदार शानदार रैंक पुशिंग गेम प्ले वीडियो, जिसमें आप लोगों को मैं बताने वाला हूं काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड आल्सो आप लोगों को फुल डोमिनेशन वाला गेम प्ले देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग ही ऐसी होती है कि यहाँ पे हो जाता अपने बंदे के साथ ड्रॉप क्लैश, एंड अब जैसे ही ये बंदा देखता है कि मैं अंदर जा चुका हूँ तो इसने सोचा कि यार इसको गन मिल जाएगी और ये बंदा बच के निकलने की कोशिश करता है, लेकिन मेरे को यहाँ पे पिस्टल ही मिलती है जिसे मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन ये बंदा बच के निकल जाता है और इसको आगे जो क्या बोलते हैं इसको बाइक मिल जाती है और उसको उठा के सीधे से स्कूल साइड में चला जाता है। लेकिन ये तो बंदा बच जाता है, यहाँ पे मेरे को एक बॉट का किल जरूर मिलने वाला है, क्योंकि ये बॉट भी उसी टाइम पे स्पॉन होता है जिस टाइम पे आसपास बंदे होते हैं। सो लकीली अपने को ये बॉट का किल मिल जाता है और यहाँ से अपन ने एक दो बॉट के किल उठाने वाले। और साथ ही में गाइस आज की वीडियो में होने वाले दो गेम प्ले फुल तबाही वाले। स्टार्टिंग वाले गेम प्ले में काफ़ी अच्छे अपन किल्स निकालते हैं, फुल डोमिनेट करते हैं ये वाली लॉबी को, एंड सेकंड वाले गेम प्ले में जो चिकन डिनर निकालते हैं ना भाई, चुम्मा ओपी। एंड लिटरली मैं आप लोगों ने फुल मजा लेने वाले हो, मतलब बहुत कुछ चीज़ें आप लोग सीखने भी वाले हो और मजा लेने वाले हो। बाकी गाइस यहाँ पे अपन बॉटों को मार के आ चुके थे इस वाली जगह पे, क्योंकि मेरे को व्हीकल नहीं मिली इस वजह से मैं ऑन फुट आ रहा था, लेकिन यार उतने में मेरे को साउंड आती है एक बग्गी की एंड ये भाई को आराम से मार दिया और इससे लूट पार्ट कंप्लीट करके अपन निकल जाते हैं सीधे से जोन के सेंटर की तरफ में। एंड आते हैं ये वाली जगह में, काफ़ी देर अपन ने इधर उधर होल्ड किया, लेकिन उसके बाद इधर आते हैं और सामने की साइड देखते हैं कि एक बंदा आके होल्ड करा था, तो ये जैसे ही होल्ड करता है तो मैं आता हूँ। अब यार ये वाले बंदे को तो अपन ने आराम से पेल दिया, एंड ये वाले बंदे को फिनिश करने के बाद मैं काफ़ी देर इधर वेट करता हूँ कि यार जोन शिफ्ट होएगा, एंड जैसे ही जोन शिफ्ट होता है तो मैं मूव करता हूँ एंड आता हूँ ये वाले कंपाउंड में। और जैसे ये वाले कंपाउंड में आता हूँ तो आराम से होल्ड करने के लिए मैं उधर जाता हूँ और उतने में इधर से जोन वगैरह भी शिफ्ट हो जाते हैं, एक दो जोन इधर बन भी जाते हैं। उतने में क्या होता है कि पीछे की साइड से जोन आ रहा होता है और एकदम से फायरिंग होती है बंदों की, तो मैं उधर ही देखने लग जाता हूँ एंड मेरे को बंदा वो स्पॉट भी होता है एक बंदा, जिसको भी अपन ने आराम से फिनिश कर दिया। और ये वाली को फिनिश करने के बाद मैं मतलब अगेन होल्ड करने लग जाता हूँ और यहाँ पे ना एक दो सीन ऐसे होने कि जैसे कि देखो ये वाला नेड, अब ये नेड कहाँ से आया मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। मैं वो सोचता हूँ कि यार बाहर से आया होगा तो मैं इधर आ जाता हूँ, मतलब राइट साइड वाले कंपाउंड से आया होगा तो मैं इधर आ जाता हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ से ये बंदा आता है। तो भाई ये बंदे को तो अपन ने इजी फिनिश कर दिया, लेकिन अभी भी मेरे को नहीं पता नेड किसने किया था। मैं सोचने लग गया कि राइट वाले बंदे ने किया था, लेकिन नहीं, मेरे राइट साइड में एक सैक है उस वाले बंदे ने किया था। लेकिन उसके बाद मैं काफ़ी देर इधर वेट किया एंड उतने में जोन भी शिफ्ट हो जाता है, तो मैं सीधे से आता हूँ एंड यहाँ पे स्मोक पाथ बनाने लग जाता हूँ। लेकिन एक गलती हो जाती है कि मैं इधर जल्दी शील्ड बना देता हूँ एंड उसके चक्कर में लेफ्ट वाले बंदे को तो फिनिश कर दिया, लेकिन जो राइट में बंदा था उसके पास प्योर मतलब अच्छा खासा हार्ड कवर था एंड मेरे पास कुछ नहीं था, नॉर्मल एक स्मोक थी। एंड अब यहाँ पे मैं पैनिक हो चुका था तो मैं गलती कर देता हूँ। अब लास्ट में आप लोग को एक ही चीज़ नहीं करनी कि आप लोग को ना बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। अब मैं यहाँ पे पैनिक हुआ इस वजह से मैं गलती करता हूँ। मेरे को देखो यहाँ पे क्या करना चाहिए था, पहले तो ना एक प्योर स्मोक करना चाहिए था, उसके बाद में नेड वगैरह करने चाहिए थे प्रॉपरली एंड, लेकिन मैं क्या करता हूँ नेड वेस्ट कर देता हूँ। मेरे को देखो यहाँ पे एक्सपेक्टेड जगह क्या है कि बग्गी के सामने बंदा होगा, लेकिन नहीं, मैंने पहले ऑलरेडी नेड कर दिए। तो इस चीज़ का आप लोग वेट करा करो कि आराम से डिसीजन लिया करो। एंड अब मेरे को पोजीशन का कोई आइडिया नहीं था, अगर नेड होता तो मैं पहले चेक कर लेता, लेकिन कोई बात नहीं, अपन इजी हैशटैग टू के साथ 29 का प्लस ले जाते हैं। अब बात करते हैं सेकंड वाले मैच की, तो सेकंड वाला मैच एकदम अमेजिंग होने वाला है। हो जाती है यहाँ पर ड्रॉप क्लैश, ये बंदे को तो अपन ने हवे में ही उतार दिया और इसको आराम से टेक डाउन करने के बाद नॉर्मली मैं लूट कंप्लीट करता हूँ। ये वाले मैच में लिटरली मैं आप लोग को जो तबाही देखने को मिलेगी, जो आप लोग को 1v1 देखने को मिलेंगे ना, फुल मजा आने वाला। अब यार यहाँ पे एक बॉट आता है जिसको इजी फिनिश करते हैं, उसके बाद मैं पूरे कंपाउंड को लूटता हूँ एंड यहाँ पे मेरे को जो व्हीकल है उसको उठा के सीधे से स्कूल साइड में निकल जाता हूँ। और जैसे ही यहाँ पे आता हूँ भाई बंदा सामने, तो यार अगर ये वाली 1v1 इतनी सी भी अच्छी लगी ना, इतनी सी भी अच्छी, तो यार प्लीज से यार जो मतलब प्यारा सा सब्सक्राइब बटन है ना उसको दबा दो यार, ऐसे ही डेली सोलो कॉन्क्वेस्ट लॉबीज के गेम प्लेस देखने के लिए बस दबा दो यार उस सब्सक्राइब बटन को, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी दबा देना, मतलब भूलना नहीं है ना। अब यार थोड़ी देर होल्ड करता हूँ, उतने में इधर एक गाड़ी आती है, और यार इतना गंदा स्प्रे मैंने क्यों दिया, वो चीज़ का आप लोग एग्जांपल देख सकते हो, मतलब रीज़न देख सकते हो। यहाँ पे मैंने जो अपना फ़ोन है उसको चार्ज लगा रखा था, सो इस वजह से मैं स्प्रे ढंग से नहीं दे पा रहा था, लेकिन फिर भी अपन ने उसको इजी टेक डाउन कर लिया। उतने में यहाँ पे एक और बंदा आ जाता है जो कि भाई सीधे से आके नेड करने लग जाता है, तो मेरे को लगा शायद से इसको पोजीशन पता है, हैकर वैकर हो सकता है, तो मैं वापस से फाइट लेने आ जाता हूँ। मैं बोला यार फाइट तो लेनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पे ना अगर मैं मरता हूँ ना
तो मेरे को कोई भी प्लस नहीं मिलने वाला। इस वजह से मैं ट्राई करता हूँ यार इससे फाइट ना लाऊं, मतलब कतई अवॉइड कर रहा था मैं फाइट में, भाग रहा था, बिल्कुल भाग रहा था। लेकिन पता नहीं इस बंदे को क्या ही खुजली होती है, ये बंदा मेरा पीछा कर रहा था बार बार। अब मैं यहाँ पे आ चुका था और ये बंदा यहाँ पे भी आ गया और आप देखो कैसे भाग रहा है। तो ये वाले बंदे को तो अपन ने इजीली फिनिश कर दिया, ये बंदा ज़्यादा ही चौड़ में घूम रहा था तो इजी अपन इसको टेक डाउन करते हैं। एंड ऑल पे बोलते हैं कि भाई ज़्यादा खुजली हो रही है क्या, मतलब पिछवाड़े में चुनूने लग रहे हैं क्या। तो इस तरीके से जो तू पुश कर रहा, मतलब स्टार्टिंग में तो भाई कोई फाइट नहीं लेता, लेकिन ये बंदा पता नहीं क्यों फाइट लेना चाह रहा था, मतलब माइनस हो जाता मेरा और कुछ नहीं है। बाकी यार यहाँ पे मेरे को लगा कि शायद से बग्गी में टीम अप वाले बंदे हैं, लेकिन नहीं, वो उधर टीम अप वाले बंदे नहीं होते हैं। मैं वापस से इधर हेल्थ वेल्थ लगा के चेक करने आता हूँ तो इधर एक बंदा दिखता है एंड उतने में राइट वाला बंदा भी दिख जाता है जो बग्गी से निकल के गया था। तो इजी इन दोनों बंदों को फिनिश करते हैं। एंड अभी भी आप लोगों ने वीडियो को देख रहे हो और लाइक नहीं किया है, पर किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, फटाक से कर दो ना। अब यार मेरे को हर बंदे की पोजीशन पता चल गई थी, लास्ट के चार बंदे बचे थे और एक बंदा लेफ्ट वाले बंदे ने फिनिश भी कर दिया था। अब एक बंदा लेफ्ट में था और एक बंदा राइट में था, तो मैं फटाक से बग्गी उठाता हूँ, आ जाता हूँ ये वाली जगह पे, जहाँ पे आके बस मेरे को एक ही काम करना था कि पहले राइट वाले को फिनिश करना था और लेफ्ट वाले को, है ना। लेकिन राइट वाला बंदा लेफ्ट वाले बंदे के द्वारा फिनिश हो जाता है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इधर शील्ड वगैरह लगा के नॉर्मल होल्ड करने लग जाता हूँ। उतने में ये लेफ्ट वाला बंदा मेरे पे सीधे से पुश करता है, तो इजीली इसको वन इवन के साथ आराम से फिनिश करते हैं। बाकी गाइज आज का गेम प्ले आप लोगों को कैसा लगा मेरे को एक बार प्यारा सा कमेंट करके बता देना, और अगर वीडियो को अच्छी लगे तो यार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन बेल है ना उसको ऑल पे कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की डेली सोलो कॉन्क्वेस्ट लॉबी के गेम प्लेज अपन अपलोड करते रहते हैं। एंड डेली नहीं तो अगर एक दिन छोड़ के एक दिन भी डाल सकते हैं, तो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लेना। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड पीस आउट।